क्या रोमन अब दर दर की ठोकर खाएगा? क्या अब रोमन को उसोस की गुलामी करनी पड़ेगी? क्या अब उसोस रोमन को और परेशान करेंगे या रोमन को माफ कर देंगे? तो गाइज, रोमन की इस हार ने रोमन को बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। रोमन अब बदले की आग में जल रहा होगा, और सबसे बड़ी बात, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या हमें रोमन की शानदार एंट्री देखने को मिलेगी, या फिर रोमन की सारी हवा निकल गई है? उसोस भी अब रोमन को नेक्स्ट एपिसोड में अपनी स्टेटमेंट जरूर मेंशन करेंगे और रोमन की सारी ताकत को अपने कब्जे में करेंगे, क्योंकि रोमन और सोलो अगर रिंग में आकर फिर से उसोस को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगी और रोमन को ही गालियां पड़ेंगी। रोमन की हार से उनका लेवल काफी डाउन चला गया। 3 सालों में ये इतनी बुरी हार मिली है जिसका बिलीव रोमन को अब तक नहीं हो रहा होगा। रोमन अब हमें काफी हफ्ते हमें ब्रेक पर देखने को मिलेंगे। WWE चाहेगी कि रोमन कैरेक्टर में चेंजिंग किया जाए, फिर स्टोरी लाइन को एक नया टॉपिक दिया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है ये स्टोरी लाइन डेफिनेटली दोबारा शुरू होगी और समर स्लैम में कहीं जाकर इसका अंत होगा। उसोस अब कुछ हफ्ते WWE में अपनी जीत का जश्न मनाते फिरेंगे और शायद हमें वो टैग टीम चैंपियनशिप की दौड़ में भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और रोमन इसी बीच अपने आप को तैयार करके वापस आएंगे। अगर WWE सोच रही है कि रोमन के कैरेक्टर को बदला जाए तो वो पक्का रोमन को एक सिंगल रेसलर बनाएगी और पॉल हैमन और सोलो सिकोवा को उनसे अलग कर दिया जाएगा। रोमन की लेगेसी ट्राइबल चीफ के रूप में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कोई भी ऑडियंस उन्हें किसी भी फॉर्मेट में ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर निभाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अब ट्राइबल चीफ की पदवी पर दी उसोस का कब्जा हो चुका है और अगर रोमन अब उसोस के सामने गए तो उनके आगे रोमन को घुटने टेकने पड़ेंगे और उन्हीं की गुलामी करनी पड़ेगी। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या रोमन दी उसोस के पैरों में पड़ेगा या फिर एक जोरदार कमबैक करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।